अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नदीम, नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से बरकी रोड लाहौर से पाकिस्तान से। ये देखें जी, ये 1626 FDS 2009 मॉडल है ये ट्रैक्टर, और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं सारी। ये टोटली जनरल ओवरऑल के लिए आया है। अब देखें, इसके टायर भी ख़त्म है, इसका इंजन भी ख़त्म है, इसका गियर की जो सूरत हाल है वो भी खुलेगा, और ये शो की कंडीशन आप देख सकते हैं ऊपर से। ये देखें शो की कंडीशन, और ये मरगाड़ों की कंडीशन और डैशबोर्ड की कंडीशन भी आपको दिखाते हैं। ये देखें डैशबोर्ड इसका, और ये पायदानों की कंडीशन देख लें। ये गाड़ी, ये कस्टमर जो इसका है वो इटली में रहता है, तो उसने इटली से हमारी वीडियोस देखी हैं और ये ट्रैक्टर तैयार करने के लिए भेजा है। अब इस पूरे ट्रैक्टर को जनरल ओवरहॉल करना है, और ओवरहॉल करने के बाद इसी ट्रैक्टर की दोबारा से मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इसमें क्या तब्दीली हुई। ये देख लेंगे सारी पोजीशन, और इस पे आने वाला ख़र्चा भी आपको बताऊंगा। ये रिमो की पोजीशन देखें, ठीक है। जब ट्रैक्टर तैयार हो जाएगा फिर इसकी दूसरी वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बना के आपको दिखाएँगे दोनों, पहली कंडीशन और बार की कंडीशन में इसमें क्या फ़र्क आया, और इस पर कितना ख़र्चा आया है, और कितना इसका टाइम लगा है। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद नदीम, नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से बरकी रोड लाहौर से पाकिस्तान से। ये देखें जी, ये हमने ट्रैक्टर तैयार किया है 2009 मॉडल। ये नंबर प्लेट दिखा दें, ये 2009 मॉडल है। इस ट्रैक्टर की हम पुरानी ट्रैक्टर की भी वीडियो इसके साथ जोड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। इसका जो ये जो रैपर है ये पुराना ही है, इसकी शो मरगाड़ बिल्कुल नए हैं। आप देखें, इसको हमने सारा मुकम्मल रिपेयर किया है। ये देखें, इसको मेटालिक पेंट किया है, इसको मुकम्मल सारा ओवरऑल किया है, इसके पायदान ये सारी चीज़ें नहीं डाली हैं। ये इस जगह से भी आप ट्रैक्टर को देख सकते हैं, और इसके जो अगले रिम हैं ये भी नए डाले हैं, टायर नए डाले हैं, फिर इसके बाद पिछले टायर डाले हैं, पिछले रिम की टिकियाँ डाली हैं। रिम इसके पुराने हैं, लेकिन आपको रंग हुए इस तरह से लगेंगे जैसे कि ब्रांड न्यू है। ये वेट नए डाले हैं, ये सारा शो मरगाड़ एवरीथिंग इसमें नया डाला है। इसमें ये कपलर जो है, ये कपलर डाले हैं। इसके अलावा से इसकी लेंकें सारी रिपेयर की हैं, पट्टियाँ डाली हैं, संगलियाँ डाली हैं, ये सारा आप देख सकते हैं। इसके अलावा से इस साइड से भी आप देख सकते हैं, इधर भी ये वेट नया डाला है, ये रिम पुराना है, ये टिक्की नहीं है। और इधर इनकी छत भी देख लें, ये डैशबोर्ड देखें, डैशबोर्ड सारा नया किया है। इसके अलावा से ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये देखें ये फ़िल्टर बाड़ियाँ पुरानी हैं, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके पेंट किया है, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से साफ़ करके पेंट किया है, इसका सारा पंखे को अच्छे तरीके से साफ़ करके पेंट किया है, और इसका रेडिएटर पुराना है, और इसी तरह ये पूरी गाड़ी इसमें आयल कूलर भी इंस्टॉल किया, जैसे हमने 290 में इंस्टॉल करते हैं ना, इसमें भी एवरीथिंग सारा इसको
नए सिरे से पूरे ट्रैक्टर को बनाया है और माशाल्लाह से इस ट्रैक्टर पे अच्छा खासा खर्चा आया है। ये फ्रंट लुक देख लें, अच्छा खासा खर्चा आया है। इस पे छत और ये बम्पर कस्टमर खुद लेके आया है। इसके अलावा इस गाड़ी पे तकरीबन 18 लाख रुपया खर्चा आया है, क्योंकि इस गाड़ी की कंडीशन ऐसी थी कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डली हैं, इसकी कंडीशन बहुत माड़ी थी। तो अल्लाह के फजलो करम से ये परकन मॉडल है और ये तैयार हो गया है। हम दुआ गो हैं अल्लाह करीम इनका काम चलाए, तो फिर इसी तरह से और लोग भी काम करवाने के लिए आएंगे। लेकिन इस काम करने के लिए इस पर टाइम भी बहुत लगता है, 2-3 महीने टाइम लगता है इस पेंट करने के लिए और सारी गाड़ी को तैयार करने के लिए। और हम ये चंद एक गाड़ियाँ पकड़ते हैं साल की, उनको तैयार करते हैं। नंबर प्लेट भी उतार, ये नंबर प्लेट भी हमने उतार दी है। वो कहते हैं जी ट्रैक्टर तो नया लग रहा है 24 मॉडल, अब नंबर प्लेट को क्या करें, उतार के रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, उतार के रख ले। ठीक है जी, अब नंबर प्लेट ही सिर्फ पुरानी रह गई, बाकी तो पूरा ट्रैक्टर नया हो गया। ठीक है, और इधर आए जी आप, इसमें ये YouTube के लिए वीडियो बन रही है, आप इटली से आज ही सुबह आए हैं? जी आज ही सुबह, मैं तकरीबन 6 बजे मेरी फ्लाइट इधर एयरपोर्ट से उतरी है, उधर से ट्रैक्टर मैं इधर ही आया हूँ ना वर्कशॉप, तो ट्रैक्टर इधर ही था। लेकिन जो जो इसकी साथ साथ तैयारी होती रही है, मेरे पास वीडियो आती रही है, लेकिन इधर आके जब मैंने देखा है तो मेरी तवक्को से ज़्यादा जो है ना ये अच्छा तैयार हुआ है। माशाल्लाह ऐसे लगता है कि जैसे 0 मीटर से भी जो है ना वो उससे भी बहुत अच्छा है। आज आपने एक 0 मीटर देखा? वो देखा है मैंने, आज आपने देखा तो 26 लाख रुपए का 0 मीटर आया है। जी 26-27 लाख का वो ट्रैक्टर आया है, उसका पेंट क्वालिटी 27 लाख 75 हज़ार उसकी पेंट क्वालिटी और उसके पार्ट्स, उसका रेडिलेटर, उसके मसलन के हर एक चीज़ जो है वो लो क्वालिटी, वेल्डिंग जो उसके हिस्से जो है ना अगले, वो वेल्डिंग साफ नज़र आ रहा, साफ नज़र आ रहा है ऐसे इसके, तो हमने वेल्डिंग वाले जगहों पे ग्राइंड किए। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि अभी वो ट्रैक्टर नया आया है, तकरीबन 10 घंटे या 20 घंटे वो चला है, तो उसको वो ब्लो भी मार रहा है, वो काला धुआं भी मार रहा है। हाँ, तो वो कह रहा था 8 लीटर तेल खा गया पहले, 8 लीटर और 26 लाख 75 हज़ार में, और इस पर आपका 26 लाख ही बामुश्किल लगा, 26 से भी कम लगा, 26 लग गया होगा टोटल मिला के आपकी गाड़ी की पुराने की वैल्यू डाल के और ये छत जंगले वगैरह डाल के 26 लाख रुपए तो आपका भी लग गया। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है तो ये आप उससे बेहतर रहेंगे। इसलिए इधर लेके आए थे ना कि हमको पता था कि ये सब जो है ना खाली है अंदर से, ना पिछला हिस्सा है, ना गियर है, ना इंजन है, ना हांडी है, ठीक है ना, इसलिए हम आपके पास लेकर आए। नदीम ब्रदर पे लेके आए और हमने नदीम ब्रदर पे ट्रैक्टर तैयार हुआ चाहिए था, इसलिए हम बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत माशाल्लाह बहुत रख लेंगे।